समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट पर कड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि 137 दिन से आदेश नहीं आया है, ये न्यायिक प्रक्रिया का मजाक है। कोर्ट ने कहा, हम इस मामले में उच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करना चाहते हैं, जरूरी हुआ तो इस पर आदेश देंगे। कोर्ट 11 मई को इस प्रकरण में सुनवाई करेगा। दरअसल आजम खां की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने मामले की सुनवाई की। यूपी सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार की शाम 6:30 बजे तक सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सपा के पूर्व मंत्री आजम खां की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। इससे पहले कोर्ट आजम की जमानत पर सुनवाई करने पर सहमत हुआ था। आजम की ओर से कपिल सिब्बल ने याचिका मेंशन की थी। सिब्बल ने कहा कि अदालत ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित करने के बाद अरसे से फैसला लंबित रखा हुआ है। कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम खां जेल में हैं, जबकि हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर फैसला 4 दिसंबर में ही सुरक्षित रखा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर समुचित आदेश दे। उत्तर प्रदेश में 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आजम खां पर शिकंजा कसा गया था। 2019 में रामपुर से लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद उनके खिलाफ 87 मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद फरवरी 2020 में सीतापुर जेल भेजा गया। लंबी कानूनी लड़ाई से आजम खां को 86 मामलों में तो जमानत मिली, लेकिन शत्रु संपत्ति से जुड़े एक मामले में कोर्ट का फैसला आना बाकी रह गया है। कोर्ट अगले सप्ताह तक अपना फैसला सुना सकती है। अगर आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर हो जाती है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बाकी मामलों में कोर्ट ने उन्हें पहले ही जमानत दे रखी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ कर रही थी। वर्ष 4 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके 4 महीने बीत जाने पर आजम खान ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आजम ने आरोप लगाया कि राजनीतिक बदले के कारण यूपी सरकार जानबूझकर देरी करा रही है। आरोप है कि आजम ने शत्रु संपत्ति को अवैध रूप से कब्जे में लेकर जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया। हाईकोर्ट में इस मामले में पिछले वर्ष दिसंबर में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।